मौजूदा सामही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या कसीरुल जहानत का नज़रिया कहा जाता है। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें जैसे ही हमारे सामने की जाती हैं उनकी हमें फ़ौरन समझ आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कितना ही समझना चाहें, कितना ही सीखना चाहें, लेकिन वो हमारे दिमाग में उतर कर नहीं देती हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रोफेसर हार्वर्ड ने इसी का जवाब अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड के अंदर दिया है। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक तमाम इंसानों के अंदर 9 किस्म की जहानतें होती हैं। हर शख्स के अंदर कुछ जहानतें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, बढ़ी हुई ज़्यादा होती हैं, और कुछ जहानतें जो हैं वो कमतर दर्जे के अंदर होती हैं। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ रही होती है, जब कोई मामला हमें हमारे सामने पेश हो वो हमें आसानी से याद हो जाए और उसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उस वक्त असल में वो मामला हमारी उस जहानत से मुतालिक होता है जो कुदरत ने हमें ज़्यादा दी है, जो कुदरत की तरफ से हमें ज़्यादा मिकदार में मिली है, जो जहानत हमारी ज़्यादा नुमाया है। ऐसी जहानत जो हमें अल्लाह की तरफ से ज़्यादा मिली हुई होती है, उस जहानत का मामले के अंदर जब भी कोई चीज़ हमारे सामने पेश की होती है, हमारे सामने आती है, वो बात हमें बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाती है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने पेश होती है जिसकी जहानत हमारे पास कमतर दर्जे की है, तो वो बात हमारे दिमाग में उतर कर ही नहीं देती है। हम कितनी मेहनत करें, अगर आती भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद समझ में आती है। मौजूदा सामईन, प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर का ये भी मानना है कि अगर किसी इंसान के अंदर, उसने 9 किस्म की जहानतें बताई हैं, लेकिन उसका ये कहना है, उसका ये मानना है कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई एक जहानत भी ज़्यादा दर्जे की मौजूद है, तो उस इंसान को ज़िंदगी के अंदर वो एक जहानत ही कामयाब करने के लिए काफ़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर इंसान 9 किस्म की जहानतों के अंदर ही आला दर्जे का तरक्की याफ्ता हो, उसकी सारी जहानतें ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हों, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक जहानत भी किसी की कोई नुमाया है, अगर किसी की एक जहानत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो एक जहानत किसी इंसान को उसकी ज़िंदगी के अंदर कामयाब कर देने के लिए काफ़ी होती है। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक वो नुमाया जहानतें कौन कौन सी हैं और उन जहानतों के हामिल अफराद क्या क्या बेहतर काम कर सकते हैं, आइए अब इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं और इसको जानते हैं। तो हमने जो शुरू में सवालात उठाए, हमें उन सवालों का भी इंशाल्लाह बेहतर तौर पे जवाब हासिल हो जाएगा। प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक पहली जहानत जो इंसानों के अंदर मौजूद होती है वो वर्बल लिंग्विस्टिक जहानत होती है, यानी ज़बान की या लिसानी जहानत होती है। जिन अफराद के पास ये जहानत होती है वो ज़ुबान को, लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के अंदर बहुत तरक्की याफ्ता होते हैं, वो बहुत अच्छे मुकर्रर होते हैं, वो बहुत अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं, वो अपने अल्फाज के ज़रिए से, अपनी बातों के ज़रिए से दूसरों को बहुत ही जल्द मुतासिर कर लेते हैं। उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी होती है कि वो अपनी बातों से दूसरों को मुतासर करने का फ़न जानते होते हैं। वो अपनी बातों से लोगों को जल्दी लुभा लेते हैं, वो अपनी बातों से लोगों को जल्दी कायल कर लेते हैं, उनकी बातों से लोग जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। इस किस्म के जो लोग होते हैं वो अगर मुस्तकबिल के अंदर राइटर, जर्नलिस्ट, पब्लिक स्पीकर, सेल्समैन, लॉयर, टीचर या ट्रांसलेटर जैसे शोबे अगर अपनाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान साबित होते हैं। दूसरी जहानत मैथमेटिकल और लॉजिकल जहानत कहलाती है। जिन अफराद के अंदर ये जहानत होती है वो मंतकी बहस और मसाइल को हल करने, सीक्वेंस पैटर्न्स को समझने के अंदर बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। उनको सीक्वेंस पैटर्न मंतकी चीज़ें ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। मैथमेटिकल और लॉजिकल जहानत के हामिल अफराद को माशरे के अंदर बहुत अहम समझा जाता है। जिनके अंदर ये जहानत होती है समझा ये जाता है कि ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं।
मैथमेटिकल और लॉजिकल ज़हानत के हामिल अफराद अगर मुस्तकबिल के अंदर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एनालिस्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स इस तरह के अगर शोबे इख्तियार करते हैं, इस तरह के अगर पेशे इख्तियार करते हैं, तो वो ज़िंदगी के अंदर नहायत ही कामयाब इंसान साबित होते हैं। तीसरी किस्म की ज़हानत बॉडीली काइनेस्थेटिक ज़हानत कहलाती है। इस ज़हानत से मुराद है, इस ज़हानत के हामिल जो अफराद होते हैं वो अपने जिस्म को बहुत बेहतर अंदाज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर अपने जिस्म की ताकत को, उसके हिस्सों को और बॉडी पार्ट्स को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने की भरपूर सलाहियत मौजूद होती है। इस तरह के अफराद अगर मुस्तकबिल के अंदर स्पोर्ट्स डांसर, बॉडी बिल्डर, एथलीट, एक्टर, सोल्जर, फिजिकल ट्रेनर, इस तरह के अगर पेशे इख्तियार करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब इंसान साबित होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी तरक्की करते हैं। चौथी किस्म की ज़हानत स्पेशल विजुअल ज़हानत कहलाती है। इस सलाहियत के हामिल जो अफराद होते हैं उनको विजुलाइज़ करने की, चीज़ों को अपने तसव्वुर और तखय्युल के अंदर देखने की बे इंतहा सलाहियत होती है। ऐसे लोग एक जगह का दूसरी जगह से ताल्लुक़ और चीज़ों को तसव्वुर की आँख से देखने के माहिर होते हैं। ऐसे लोग अगर मुस्तकबिल के अंदर आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, डिज़ाइनर, फोटोग्राफ़र, पेंटर, इस तरह के अगर पेशे इख्तियार करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत ही कामयाब इंसान साबित होते हैं। पांचवी किस्म की सलाहियत इंटरपर्सनल सलाहियत कहलाती है। ये सलाहियत से मुराद है कि दूसरों को समझना, दूसरे लोगों को समझना, दूसरे इंसानों को समझना, उनके एहसासात को समझना, उनके जज्बात को समझना, उनके मिजाज और मुहर्रकात को समझना, इस चीज़ के अंदर वो लोग बे इंतहा अहलियत के हामिल होते हैं। वो दूसरों से काम अच्छे ले सकते हैं, वो दूसरों को समझ जल्दी लेते हैं। तो जिन अफराद के अंदर ये ज़हानत होती है वो ज़हानत इंटरपर्सनल ज़हानत कहलाती है। इस ज़हानत के अफराद अगर मुस्तकबिल के अंदर साइकोलॉजिस्ट, एचआर प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स, सेल्समैन, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, इस तरह के अगर पेशे इख्तियार करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही कामयाब इंसान साबित होते हैं। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर के मुताबिक छठी किस्म की ज़हानत इंट्रापर्सनल ज़हानत कहलाती है। इंट्रापर्सनल ज़हानत अपनी ज़ात को से मुतालिक है, अपनी ज़ात को समझने की सलाहियत से मुतालिक है। ऐसे लोग जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है वो अपनी ज़ात से बहुत ज़्यादा उनको समझने की उनके अंदर सलाहियत होती है। वो अपने एहसासात, मुहर्रकात, इनको बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं। ऐसे लोग अगर मुस्तकबिल के अंदर फिलॉसफर, राइटर, थ्योरिस्ट, साइंटिस्ट, सेंट्स, इस तरह के अगर पेशे अपनाते हैं तो ये लोग ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान साबित होते हैं। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर के मुताबिक सातवीं किस्म की जो ज़हानत है वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जिन अफराद के अंदर होती है उन्हें मायनी खेज़ मौसीकी पैदा करने और समझने, मौसीकी के आलात पैदा करने की सलाहियत उनके अंदर बे इंतहा होती है। मौसीकी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, मौसीकी कंपोज करने की सलाहियत उनके अंदर बे इंतहा होती है। ऐसे लोग अगर मुस्तकबिल के अंदर म्यूजिशियन, म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर, म्यूज़िक टीचर, इस तरह के अगर पेशे इख्तियार करते हैं तो ये लोग मुस्तकबिल के अंदर कामयाब इंसान साबित होते हैं। आठवीं किस्म की ज़हानत नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस कहलाती है। इस ज़हानत के हामिल अफराद को नेचर से ख़ास किस्म की दिलचस्पी होती है। नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं, जंगल, पहाड़, दरिया, इनके अंदर उनकी बेइंतहा दिलचस्पी होती है। वो फितरत को समझने में, माहौलियाती तवाज़ुन को समझने में, इकोसिस्टम को समझने में और फितरती माहौल को समझने में उनको मलका हासिल होता है। ऐसे लोग अगर मुस्तकबिल के अंदर बायोलॉजिस्ट, कन्वर्सेशनल गार्डनर, फार्मर और टूरिस्ट, इस जैसे अगर पेशों को अपनाते हैं तो वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब इंसान साबित होते हैं। प्रोफेसर हावर्ड गार्डनर के मुताबिक नवी किस्म की ज़हानत एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। इस ज़हानत के जो हामिल अफराद होते हैं वो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को, उसकी पैदाइश को, उसकी मौजूदगी को, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं।
वो इनके ऊपर ज़्यादा गौर करते रहते हैं, कायनात वजूद के अंदर क्यों आई, इंसान वजूद के अंदर क्यों आया, ये सोलर सिस्टम वजूद के अंदर क्यों आया। तो इस तरह की चीज़ों को समझने की उनके अंदर बेइंतहा सलाहियत होती है। इस तरह के लोग अगर मुस्तबिल के अंदर फिलासफर, साइंटिस्ट, सेंट्स इस तरह का अगर पेशा अपनाते हैं तो वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब लोग साबित होते हैं।